हाँ जुताई, सो आज का अपडेट रहेगा SBI सर्कल बेस ऑफिसर। सो यहाँ पर ऑल नोट्स ऑफ 1422 नोट्स ऑफ अभी वैकेंसीज है। एंड यहाँ पर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग एक काम कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग ये ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा। सो वहाँ पर आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू क्लिक हेयर, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा बहुत वेट करना, थोड़ा बहुत वेट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टाइप योर नेम, उसके बाद कंफर्म कर लेना। अगर आप लोग का मिडिल नेम है देन टाइप करके कंफर्म कर लेना। देन आफ्टर दैट यू नीड टू टाइप योर लास्ट नेम एंड कंफर्म कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम एक आ जाएगा। देन आफ्टर दैट नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू टाइप योर मोबाइल नंबर एंड उसके बाद कंफर्म कर लेना। अगर आप लोग एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहता है देन आप लोग दे सकता है। उसके बाद आप लोग एक काम कर लेना, सेलेक्ट यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है वो टाइप कर लेना सेलेक्ट। इसे डेमो में अभी दिखा देता हूँ। ऐसे टाइप करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेना कि मेरा @gmail.com है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक काम कर लेना, कंप्लीटली टाइप करना पड़ेगा। ऐसे टाइप कर लेना। देन आफ्टर डेट जो सिक्योरिटी कोड रहेगा वो फिलअप करके आप लोग क्या कर लेना, 7 नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक कर लेना। देन आफ्टर डेट आप लोग से ऐसे पूछा जाएगा आर यू श्योर, सो वहाँ पर आप लोग क्या कर लेना, ओके क्लिक कर लेना। ओके क्लिक करने के बाद एक नया पेज फिर से जनरेट हो जाएगा। सो यहाँ पर योर कनेक्शन, कभी कभार ऐसा हो जाता है लेकिन आप लोग उसमें से घबराने का कोई बात नहीं। फिर से इसको दया रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश करने से यह फिर आ जाएगा आप लोग। देन आफ्टर डेट सेकेंड पेज पर आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यू नीड टू अपलोड योर फोटोग्राफ। देन आफ्टर डेट कन्फर्म पर क्लिक कर लेना। यू नीड टू अपलोड योर सिग्नेचर, देन आफ्टर डेट आप लोग कन्फर्म कर लेना। और आप लोग याद रहना, जब भी आप लोग ऐसा अपलोड करेगा आपको फोटो एंड आपको सिग्नेचर ऐसा देखना चाहिए। देन आफ्टर डेट आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप लोग सर्कल यू वांट टू अप्लाई फॉर, सो कौन से सर्कल पर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, सेलेक्ट भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, महाराष्ट्र या नॉर्थ ईस्टर्न। सो अभी फिलहाल मैं नॉर्थ ईस्टर्न सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। उसके बाद डू यू हैव 10-12 मार्कशीट, अगर आप लोग का पास है देन आप लोग क्या करना कि ऑप्टेड इन लोकल, देन आप लोग येस कर लेना। सो मैं अभी क्या कर देता हूँ क्योंकि अभी ऑप्टेड लैंग्वेज, सो यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट मैं अभी SMS हूँ लेकिन मेरा पास SMS नहीं है, देन मैं अभी नो कर देता हूँ। देन आफ्टर डैट आप लोग का जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट ST। उसके बाद ओके, लेकिन आप लोग याद रहना अगर इनकेस यहाँ पर ST सेलेक्ट किया देन आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग का जो ST सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। सेलेक्ट मैं अभी ST यहाँ पर हिल्स में टाइप कर देता क्योंकि फ़िलहाल मेरा पास ST हिल्स का सर्टिफिकेट है। देन आफ्टर डैट नीचे आने के बाद पर्सन विद डिजेबिलिटी 40% उनसे आप लोग येस कर लेना, फिर मैं अभी फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। उसके बाद आर यू सफरिंग फ्रॉम, ये सब आप लोग जितना हो सके ये सब अच्छा से फिलअप करना, फिलहाल ये मेरा नहीं है देन मैं नो कर देता हूँ। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, यहाँ पर आप लोग अच्छा से सेलेक्ट कर लेना आप लोग का जो रिलीजन है। देन आफ्टर डैट डू यू बिलोंग टू द रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद एक सर्विस मैन, मैं नो कर देता हूँ क्योंकि आप इसमें से आप लोग अच्छा से क्या कर लेना, कॉमर्शियल में नो कर देता हूँ। इन सब में जितना सारा होगा मेरा ये नो होगा क्योंकि आप लोग एक काम कर रहे हैं, इसमें से अगर आप लोग का कोई SBI पर आप लोग बिलोंग करता है या काम कर रहा है देन आप लोग इसमें से क्या करना पड़ेगा, स्टेट में आसाम कर देता हूँ। देन आफ्टर डैट उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में गुवाहाटी आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आई कन्फर्म दिस टू, उसके बाद येस, येस करने के बाद आपका जो ID जो प्रूफ है वो एक जो भी एक ID प्रूफ है आपको वो देना पड़ेगा। सेलेक्ट फिलहाल मैं अभी पैन कार्ड देने जा रहा हूँ, सो पैन कार्ड का यहाँ पर मैं क्या टाइप करने जा रहा हूँ। देन आफ्टर डैट आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू टाइप सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जेंडर, मैं जेंडर पहले सेलेक्ट कर देता हूँ, ट्विंस ब्रदर, सो मेरा पास नहीं है जेंडर ऑफ द ट्विंस, नो सॉरी। उसके बाद जो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यू नीड टू टाइप योर फादर नेम, उसके बाद फादर मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसे टाइप करना पड़ेगा।
इफ़ यू गॉट मैरिड देन आप लोग का जो वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट आई यू नीड टू टाइप योर वो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पर अच्छा से टाइप कर लेना। उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस, अगर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है देन आप लोग यहाँ पर टिक कर लेना। टिक करने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अमाउंट हम लोग एसटी होने के कारण नील है। उसके बाद में वैलिडेट योर डिटेल्स करके सेव एंड नेक्स्ट पर आके आप लोग को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में वो बता देता हूँ। सो यहाँ पर जितना सारा आप लोग ने फिलअप करना था वो फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू वैलिडेट योर डिटेल्स। वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ेगा, वेरीफाई सक्सेसफुली ओके। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट ग्रेजुएशन आप लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं आज पे क्या हूँ। उसके बाद इंटरमीडिएट ड्यूल को डिग्री आप लोग ने किया देन आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आप लोग का जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर्स। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट डू यू हैव अ मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 2 ईयर्स का मिनिमम सर्टिफिकेट जो आप लोग का जो है वो यहाँ से आप लोग अच्छा से फिलअप कर लेना। से लाइक यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, आपका क्या डिजिग्नेशन है एंड कौन से लेंगे, कहाँ से कब तक आप लोग ने क्या किया वो फिलअप कर लेना। उसके बाद लैंग्वेज नॉन आसामीज में मैं क्या कर देता हूँ, रीड कर देता हूँ। उसके बाद मैं स्पीक, मुझे लिखने नहीं आता। देन आफ्टर दैट यहाँ पर आपको इंग्लिश टाइप कर लेना, जैसे कि आपको जो लैंग्वेज आपको आता है देन आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हिंदी, हिंदी भी आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको ऐसे कर लेना। अगर करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, वैलिडेट योर डिटेल्स आके फिर कैसे करना है वो कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत इजी है। नेम ऑफ द कॉलेज आपको टाइप करना है, डेट ईयर ऑफ पासिंग का परसेंटेज एंड ग्रेड, बस ये करने से हो जाएगा। बस ऐसे करके आप लोग फिलअप करके जाना वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप। देन आफ्टर दैट यहाँ पर फिलअप करने के बाद आप लोग का क्या होगा, वेरीफाई सक्सेसफुली ओके पर क्लिक कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितना सारा है वो सब कुछ मैंने वो टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद अभी नेक्स्ट, अभी सेवन नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक कर लेना। एक्सपीरियंस आप लोग का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा सब कुछ आप लोग वो फिलअप करना है। वो फिलअप करने के बाद दिस इज ए प्रीव्यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, वो ऐसा करके आ जाएगा। सो ऐसा आने के बाद नीचे पे आप लोग क्या कर लेना, आई एग्री पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ पर ऑन कंप्लीटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डाटा ऑलरेडी एंटर विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड ओके। सो यहाँ पर आप लोग के आर यू श्योर टू कंटिन्यू ओके। सो इट मीन्स दैट यहाँ पर अभी क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोग जितने सारा आप लोग ने क्या किया था, अप्लाई किया था, उसमें से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकेगा। सो इसमें अभी थोड़ा बहुत आप लोग वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो आईडी प्रूफ है वो आप लोग यहाँ से अपलोड कर लेना। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपलोड कर लेना। सेलेक्ट में एग्जाम्पल के द्वारा मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ आप लोग को दिखा देता हूँ। ऐसे क्लिक करने के बाद आप लोग ने कौन सा वाला फाइल पर, कौन सा वाला ड्राइव पर उसको सेव करके रखा वो अच्छा से सेव कर लेना। सेलेक्ट मेरा ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रहेगा। सो मेरा डेट ऑफ बर्थ होने से मेरा जो एडमिट कार्ड है मैं उसको भी अपलोड कर सकता हूँ। सो ऐसे करने के बाद आप लोग थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। वेट करने से ओनली इट मीन्स इट मीन्स सेट यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इट मीन्स सेट यहाँ पर इमेज नहीं होगा। आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग जाके एक PDF आप लोग डाउनलोड करना पड़ेगा। सो PDF उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो PDF कन्वर्ट करने के लिए आप लोग एक काम कर लेना, उसमें से आप लोग टेंशन मत लेना। से लाइक बस एक नया ब्राउज़र ऐसे ओपन करने के बाद आप लोग क्या कर लेना, से लाइक इमेज टू PDF इमेज टू PDF आप लोग टाइप कर लेना। इमेज टू PDF टाइप करने के बाद यहाँ पर चला जाना, जो फर्स्ट लिंक है जो कन्वर्ट JPG टू PDF इमेज। सो यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या कर लेना, बस यहाँ सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट में अभी जो मेरा जो एडमिट है उसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट ये रहा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू PDF, कन्वर्ट टू PDF करने के बाद आप लोग थोड़ा बहुत वेट करना। वेट करने के बाद डाउनलोड PDF आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ये डाउनलोड आ जाएगा, क्योंकि ये ब्राउज़र एज़ पर द ब्राउज़र ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऐसे आ जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके आप लोग चेक कर लेना, सो यहाँ पर आप लोग का डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। सो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से दोबारा यहाँ पर जाके आपको जितना सारा आपका जो PDF है उसको अपलोड करना पड़ेगा। सो ये डाउनलोड हो चुका है। सो वहाँ पर जाने के बाद मैं अभी क्या ऐसे डेमो के द्वारा मैं यहाँ पर जाने के बाद आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। सेलेक्ट ये डाउनलोड मेरा डाउनलोड पर रहेगा। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो धीरे धीरे एक अपलोड हो जाएगा। सो ऐसे करके आप लोग एक काम कर लेना, जितना सारा होगा यहाँ पर अपलोड करके आप लोग सेवन नेक्स्ट पर कर क्लिक कर लेना।